एक नजर में ही ये प्लेस आपको जज जाने वाला। खूबसूरत शाम बिताने के लिए पूरे पटना में शायद ही कोई ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है ना कि एकदम खुला हुआ है, कहीं नहीं मिलता ऐसा मोमेंट, बहुत अच्छा मोमेंट है। ओपन टेरेस गार्डन किया है, हर फ्लोर पे दो सुपर प्रीमियम रूम है। यहाँ पे आप पार्टीज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कपल फ्रेंडली और कॉर्पोरेट के लिए भी उम्दा हो। लोकेशन बहुत अच्छा है, रूम्स वगैरह भी बहुत बजट में आ जाते हैं। फैमिली के लिए बेस्ट फैमिली एकोमोडेशन। हम लोग पूर्वी पटना से इतने दूर से चल के आज पटना के लिए एक नया कंसेप्ट हम लोग लाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अक्सर आप लोग ये सवाल करते हो कि पटना में कोई ऐसी जगह भी हमें दिखाइए जहां पर हम जा करके थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट में मस्ती कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। तो आज हम लोग वहीं पर पहुंच चुके हैं। ये साइड से गोला रोड आता है और इस साइड से आप मरीन ड्राइव चले जाते हो। होटल हॉलीडे ग्रैंड अनुग्रह नगर में ही है ये रास्ता भी अंदर जाता है और हम लोग चल रहे हैं अभी। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ना, यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधे होटल में। तो अभी हम लोग यहाँ पर नीचे रिसेप्शन में हैं। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के लिए आपको दो तरह से, अगर आप सपोज स्टेयर्स नहीं लेना चाहते हैं तो लिफ्ट भी है आपके लिए। तो काफी खूबसूरत सा वाइब है, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर लिफ्ट है और लिफ्ट से आप यहाँ से आसानी से ऊपर जा सकते हैं। इस पार्ट में आपको रेस्टोरेंट एरिया मिल जाता है जो कि काफी खूबसूरत है, वेल डेकोरेटेड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं जब आप होटल में स्टे करने के लिए आते हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि क्या ये जो प्लेस है ये प्लेस हर रोज आकर के खाना वाना खाने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बुकिंग के लिए है। बेसिकली आप यहाँ पे पार्टीज, बेसिकली यहाँ पे आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपको स्टे करना है, एक पीसफुल माहौल चाहिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स अवेलेबल है। हर फ्लोर पे चार रूम्स हैं, दो डिलक्स रूम है और दो प्रीमियम है, सुपर प्रीमियम रूम है। ये डिलक्स कमरा है और अपना स्पेशलिटी है कि हर रूम का डिजाइन बिल्कुल 18 कमरा है, 18 तरह का है। सारा रूम का डेकोरेशन और इंटीरियर बिल्कुल एक दूसरा से डिफरेंस किया है। कबर्ड का साइज भी है, इसमें कुछ कीमती सामान रखने के लिए हम लोगों ने लॉकर वगैरह फैसिलिटी सब दिया है। ये कॉफ़ी चेयर है सो दैट कि गेस्ट अपना बैठ के अपना कॉफ़ी चेयर से अपना आराम से कॉफ़ी वगैरह ले सकें, लंच ले सकें, ब्रेकफास्ट ले सकें। इन रूम सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आइए अब आपको हम अपना सुपर जो प्रीमियम रूम है वो दिखाते हैं। इस रूम का स्पेशलिटी है कि ये काफ़ी एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है सर। हर फ्लोर पे दो सुपर प्रीमियम रूम है। इसमें हम लोगों ने सोफ़ा है, रेफ्रिजरेटर है। स्पेशलिटी है कि इसमें स्मोकिंग जोन भी है, बालकोनी है और स्मोकिंग जोन है, सो दैट कि अ पर्सन हु वांट्स टू स्मोक ही कैन स्मोक। वंस अगेन हमने बोला है कि हेडरेस्ट हो, चाहिए सिस्टम हो, हर कमरे का बिल्कुल, या फिर ऊपर में फॉल्स सीलिंग हो, हर कमरे का बिल्कुल जुदा मिलेगा, सो दैट कि एवरी टाइम द गेस्ट विल फील न्यू एक्सपीरियंस। फ्रॉस्टेड ग्लास का डोर दिया है, जनरली ये 5-स्टार होटल में होता है। हम लोगों ने 5-स्टार होटल को ये करके ये फ्रॉस्टेड डोर दिया है। अपना बाथरूम का साइज भी बहुत बढ़िया है, लैपटॉप वगैरह चलाने के लिए और यहाँ पे सर्विस के लिए हम लोगों ने फैसिलिटी ये प्रोवाइड किया है सर। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कितना ज़बरदस्त तरीके से अरेंजमेंट है। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी ना कि हर एक रूम का इंटीरियर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। पक्का पक्का आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि यार ये बोल तो रहा है प्रीमियम डिलक्स स्वीट और वो भी बजट फ्रेंडली, लेकिन इसका प्राइस कितना है? तो सब कुछ बताएंगे हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर का बुफे को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। इनका इन हाउस किचन है, तो इसके लिए क्या है ना कि आप यहाँ पे सिर्फ स्टे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप पार्टीज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, किसी भी तरह की पार्टीज को ऑर्गेनाइज करिए और मस्ती से इस प्लेस को इंजॉय करिए। प्राइस बहुत ही कम हो तो आप सोचिए कि ये जगह कितनी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो अभी चलते हैं हम लोग बुफे देखते हैं, इनका बैंक्वेट देखते हैं, इनका रूफ टॉप यहाँ का लिटरली आपको इतना प्यारा लगने वाला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसके ऊपर चलेंगे तो और भी ज़्यादा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे फ्लोर्स बनाए गए हैं यहाँ से आगे जाने पर।
आपको रूम्स भी मिल जाते हैं, मतलब अगर आप चाहें यहाँ पर स्टे करना, पार्टी वार्टी तो कर ही सकते हैं, साथ में आप स्टे करना चाहें तो भी आपको बहुत ही बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने वाली। क्या लगा था दिमाग में कि कुछ इस तरह का प्लेस? एक्चुअली हम लोग एक तलाश थे एक पीसफुल एरिया के लिए जो कपल फ्रेंडली हो और कॉरपोरेट के लिए भी हो, उम्दा हो। तो कॉरपोरेट और कपल फैमिली दोनों का एक एक कह सकते हैं कॉकटेल है ये, और हम लोगों ने बहुत ही कम जगह में बहुत बेहतरीन, इसका हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने इसका डिज़ाइन किया है रूम को, आप देखेंगे तो ही इज़ इंटरनेशनल आर्किटेक्ट। ये हमारा स्वीट वन है, इसमें बाथ फैसिलिटी वगैरह सारा चीज़ हम लोग दिए हैं, बाथ टब वगैरह है सब, और काफ़ी लग्जरी है। एंशियंट और न्यू दोनों को एक कॉकटेल बनाया है और बेहतरीन लुक दिया है, पीसफुल एरिया है। हम लोगों ने खाना पर 24/7 हम लोग का रेस्टोरेंट इन हाउस किचन है, इसलिए हम लोग उस पर भी काफ़ी फोकस्ड हैं कि उसको भी बेहतर से बेहतर टेस्ट दिया जाए। टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें आदमी दूरी मायने नहीं रखता है, उसके लिए कहीं भी चल के आता है। दूसरा है, ये इस होटल का सबसे बेहतरीन होटल कमरा है और इसमें हम लोग ने सारा मॉडर्न इक्विपमेंट सारा इसमें प्रयास किया है देने का और उसको फॉलो करने का। इसका बाथरूम वगैरह का भी बहुत उम्दा है। ये हमारा बेड है, इसका हेडरेस्ट वगैरह इस सब में 2 टन का हम लोगों ने एसी लगाया है, सो दैट कि गर्मी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हॉट एंड कोल्ड एसी हमने दिया है, गर्मी और ठंडा दोनों में जो यूज है। इसका बाथटब वगैरह इस सब सुपर फाइन क्वालिटी का हम लोगों ने लगाया है, गागर में सागर देने का हमने प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरे जगहों से आपको यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलती है। 6,000 रुपये का पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये मिल रहा है, और उसमें मिलता क्या क्या है? सुपर डिलक्स लग्जरी रूम मिलता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है, फ्री बर्थडे केक्स भी आपको मिल जाते हैं, फ्री सरप्राइज गिफ्ट है, सेपरेट पार्टी जोन है, और ये सिर्फ और सिर्फ 2,999 में आपको मिलता है। उसी तरह से अगर आप गोल्डन पैक्स में जाते हैं तो उसमें प्रीमियम लग्जरी रूम है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और लंच भी उसमें साथ में मिलता है, फ्री बर्थडे केक मिलता है, फ्री सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, सेपरेट पार्टी जोन मिल जाता है, टी कॉफ़ी मिलती है। आप सोचिए कि इस वाले पैकेज का जो प्राइस था वो 6,999 था, लेकिन आपको 3,599 प्लस GST में ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी जब यहाँ पर आएंगे तो खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, वैसे ये पूरे पटना में कहीं नहीं मिलने वाला भाई साहब। हमने कई बार ये महसूस और एक्सपीरियंस किया है कि बड़े बड़े हॉल में बड़े बड़े कंपनी जो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ एक दिन में 7-7 पार्टी होता है, 8-8 पार्टी होता है, सब मिक्सअप हो जाते हैं। किसी का डिमांड रहता है हम ये गाना बजाएंगे, किसी का डिमांड ये गाना रहेगा। हमने बिल्कुल 1 day 1 party ऑर्गेनाइज किया है, एक दिन में हम दूसरा पार्टी नहीं लेते हैं। पटना के लिए एक नया कंसेप्ट हम लोग लाए हैं, तो आप यहाँ पे आके आपको बिल्कुल अच्छा महसूस होगा। मैं इसी प्लेस की बात कर रहा था, जब आप यहाँ पर आते हैं तो इतनी ऊंचाई पर आपको मिलता है ये स्पेशली कॉफी जोन। बहुत ही अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे अभी सनसेट हो रहा है और आप सोचो कि जब यहाँ पर बैठ करके आप कॉफी इंजॉय करोगे तो ये सनसेट आपको कितना खूबसूरत दिखने वाला है। इस प्लेस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि एक नजर में ही ये प्लेस आपको जज जाने वाला है। एक रूफ टॉप यहाँ हो गया जो नीचे आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ये कॉफी जोन हो गया और ये एक रूफ टॉप वहाँ हो गया। शाम हो चुकी है और इस कॉफी शॉप में एक कपल बैठा है जो कि इस ठंडी ठंडी वाइब को इंजॉय करते हुए कॉफी का मजा ले रहा है। मैं इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर ये प्लेस कैसा लग रहा है। सर यह कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठे कॉफी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है ना कि एकदम मतलब कि खुला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जिसको ही नहीं मिलता ऐसा मोमेंट, बहुत अच्छा मोमेंट। खूबसूरत शाम बिताने के लिए पूरे पटना में शायद ही कोई ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर इस तरह का माहौल आपको मिलने वाला है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, आप कपल्स हैं तो वो भी आ सकते हैं और आकर के एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे और फिर बहुत सारी मेमोरीज लेकर के अपने घर लौटेंगे। तो अभी हम लोग इस बैंक्वेट एरिया में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 70-75 लोगों के आराम से बैठने की कैपेसिटी है। इसमें हमने प्रोजेक्टर का फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया है। ओके, मतलब कि कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह करना चाहे तो प्रेजेंटेशन के लिए, हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए उसके लिए बजाते हैं, स्क्रीन वगैरह सारा चीज इन हाउस है। हम लोगों ने तार का जाल नहीं बिछे, इसके लिए कॉर्डलेस हम लोगों ने स्पीकर दे दिया। अच्छा अच्छा, सारा अंदर में जी। हाँ, ओपन टेरेस गार्डन किया है और बच्चों के लिए हमने सेल्फी जोन खास करके बनाया है। ये सेल्फी जोन है पर बच्चों के लिए, आजकल के बच्चे लोग काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं तो उनके लिए ये हमने सेल्फी जोन वगैरह बनाया है। और यहाँ पे गार्डनिंग किया है सो दैट कि उनको दे फील वेरी
लाइक दे आर सिटिंग इन गार्डन, इसलिए हम लोगों ने इसको लुक भी दिया है, वुडन टेक्सचर दिया है। यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट मिलता है और इसी के अंदर जस्ट यहाँ पर ये बैंक्वेट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी रश है, लोग खाना वाना खा रहे हैं। लोकेशन बहुत अच्छा है, इनफैक्ट आने में भी बहुत आराम होता है, मतलब हाईवे से मतलब मेन रोड से आने में एकदम लोकेशन पर जाता है। मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, हमेशा यहाँ खाता भी हूँ। पॉकेट फ्रेंडली है क्या? हाँ, बजट में तो बहुत ज़्यादा। आने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता है मेरिन ड्राइव से बिल्कुल नियरेस्ट में, और एक बार जो आ जाएंगे वो खुद बार बार आना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ही मरीन ड्राइव से एकदम नज़दीक है। बीइंग ए होटेलियर बहुत अच्छा खाना है और आई यूज्ड टू कम रेगुलरली, फैमिली के बेस्ट फैमिली अकोमोडेशंस। इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, पॉकेट फ्रेंडली है सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही इजी टू रीच है, यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। लोग खाने को इंजॉय कर रहे हैं, अभी हम लोग भी फूड को इंजॉय करते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं। मिलिए चिकन और उसके साथ एक बटर नान और दो लिट्टी। टेस्ट इज रियली गुड है, एकदम घर वाला फीलिंग आ रहा है खाने में और काफ़ी अच्छा है। इंजॉय करिए और इंजॉय करने के बाद तब आप फीडबैक दीजिए कि आखिर ये प्लेस कैसा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को प्रेजेंट करते हैं, आपका वैसा मिला नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और नया डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।